NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट. मैं हूं अभिषेक मिश्रा. बिहार के नियोजित शिक्षक समान काम समान वेतन को लेकर अपनी आंदोलन को धार देने में जुटे हैं. आपको याद होगा जब कुछ दिन पहले बिहार के नियोजित शिक्षक हजारों की संख्या में पटना में जमा हुए थे और विधानसभा को घेरने निकले थे. पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई थी, लाठीचार्ज भी किया था पुलिस ने और कई नियोजित शिक्षकों को चोटें आई थी. कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज दुबे क्लिनिक लंगर टोली चौराहा पटना. तो उस आंदोलन के बाद एक बार फिर नियोजित शिक्षकों को लेकर एक खबर सामने आ रही है. एक तरफ नियोजित शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, अपनी आंदोलन को धार देने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी मांगों को लेकर सरकार उन पर तंज कस रही है. बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने नियोजित शिक्षकों पर तंज कसा है, उन पर चुटकी ली है और कहा है कि नियोजित शिक्षकों का सोशल वैल्यू बढ़ गया है, नियोजित शिक्षकों को दहेज ज़्यादा मिलने लगा है. हालांकि जब कृष्णनंदन वर्मा ने ये कहा तो उनको बाद में एहसास हुआ कि उन्होंने बड़ी बात कह दी है और इससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है. दरअसल जिस तरीके से कृष्णनंदन वर्मा ने ये कहा कि नियोजित शिक्षकों को दहेज मिलने लगा है, इसे एक प्रकार का स्वीकार कर लेना माना जाएगा सरकार की ओर से कि दहेजबंदी वाले बिहार में दहेज लिया और दिया जा रहा है. तो कृष्णनंदन वर्मा ने इस चीज़ को झेपा और फिर इसको सुधार करने की कोशिश की, इस बयान से बचने की कोशिश की, वापस लेने की कोशिश की. कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि हालांकि बिहार में दहेज और लिया और दिया नहीं जाता, ये पहले की बात हो चुकी है, लेकिन बड़ी खबर है कि सदन में कृष्णनंदन वर्मा ने नियोजित शिक्षकों पर चुटकी ली है और कहा है कि नियोजित शिक्षकों का सोशल वैल्यू बढ़ गया है, उनको दहेज ज़्यादा मिलने लगा है. दहेज वाली बात उन्होंने वापस ले ली इसके नुकसान को देखते हुए, हमने आपको पहले ही बताया. तो इस खबर में इतना ही. अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे. प्यार समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. यहाँ पढ़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल. गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए. कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा. अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222. सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स.